अगर हम आपको ऐसा कहें कि मुसलमान की तरह हिंदू भी एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि बांग्लादेश में हिंदू पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया है कि बांग्लादेश में मुसलमानों की तरह हिंदुओं को बहुविवाह करने की आजादी है। रिपोर्ट ने कहा है, हिंदू कानून के तहत पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन उनके पास आधिकारिक तौर पर तलाक का विकल्प नहीं है। बहुत भी हिंदू कानून के तहत आते हैं और तलाकशुदा हिंदू और बहुत कानूनी तौर पर फिर से शादी नहीं कर सकते। अमेरिका की इस रिपोर्ट ने जो दावे किए हैं वो वाकई में हैरत में डालने वाले हैं, क्योंकि भारत में जहां एक हिंदू पुरुष बिना तलाक दिए दूसरी बीवी नहीं रख सकता है, तो वहीं उसके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुविवाह करने की आजादी है। इसके अलावा रिपोर्ट ने ये भी दावा किया है, हिंदू नागरिक कानून में महिलाओं को विरासत की संपत्ति पर भी रोक लगाई गई है। अमेरिका की इस रिपोर्ट ने न सिर्फ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की शादियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इस तरह के नियम कायदों के लिए शेख हसीना सरकार की कड़ी निंदा भी की है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।